वेलकम टू स्टेपअप आईएएस करंट अफेयर्स न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 17 अक्टूबर है। हम लोग द हिंदू एक्सप्रेस और पीआईबी के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर शामिल करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कोचिंग के बारे में है। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर 2 से 3 वीडियोज़ डेली अपलोड होते हैं। इवन करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी सीरीज़ है जो कि मॉर्निंग में अपलोड की जाती है। आई होप आपको पता होगा। जो लोग कोचिंग प्रोग्राम को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो इन सेशंस में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। जो लोग क्लास में आ पा रहे हैं उनके लिए बता दें कि नया बैच आज ही शुरू हुआ है मॉडर्न इंडिया से। ये सारे क्लासरूम के फीचर्स हैं जहाँ पर आपको एक अच्छी फैकल्टी मिलते हैं और मटेरियल्स के साथ साथ क्लासरूम स्ट्रेंथ बहुत कम होता है जिसमें आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। जो लोग अभी न्यू व्यूअर्स हैं वो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर डिटेल्स ले सकते हैं कि कैसे आंसर राइटिंग आपको सिखाया जाता है, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट, नोट्स मेकिंग वगैरह सिखाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना लीज़ एन एंटायर पैसिफिक आइलैंड फॉर 75 ईयर्स। तो ये अभी बातचीत चल रही है, फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट बात बन गई है। चाइना ने ऐसा प्लान किया है कि पैसिफिक आइलैंड, यहाँ पर बात हो रही है सोलोमन आइलैंड की, और उस पूरे आइलैंड पर को लीज में लेने का प्लान है चाइना का अगले 75 इयर्स के लिए। यहाँ पर बात हो रही है तुलागी आइलैंड की। जो तुलागी आइलैंड है ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, खास करके प्रीलिम्स में, कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, सिचुएटेड है। साउथ पैसिफिक ओशन में पड़ता है ये तुलागी आइलैंड, और यही सोलोमन आइलैंड का ही हिस्सा है, पार्ट है। पहले ये ब्रिटिश के अंडर में हुआ करता था, उसके बाद जापान के द्वारा इसको कैप्चर किया गया, और ये बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है बिकॉज एक नेचुरल डीप वाटर हार्बर है यहाँ पर तुलागी आइलैंड पे, इसलिए मिलिट्री के पर्पज़ से ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एट प्रेजेंट अगर बात करें, प्रेजेंट टाइम में ये सोलोमन आइलैंड का पार्ट है, और जैसा हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि सोलोमन आइलैंड के साथ नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ रही हैं, चाइना की एग्रीमेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, और उसी में ये अनुमान है कि एक सीक्रेट डील के तहत जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है। साउथ पैसिफिक नेशंस में पड़ने वाले जो आइलैंड्स हैं उनका लीज पर लेना चाइना के द्वारा अपने आप में एक थ्रेट है यूएस और अदर नेशन के लिए जो कि पैसिफिक ओशन में हैं। तो अभी ये आईआर का पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस पर अभी और न्यूज़ आते रहेंगे, लेकिन आपको जो लोकेशन है वो याद में रखना होगा। ये लोकेशन है तुलागी आइलैंड का, सोलोमन आइलैंड का पार्ट है, आप देख पा रहे हैं। यहीं पर बहुत सारे और आइलैंड्स भी हैं, बट ये भी न्यूज़ में है इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस दोनों को इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला न्यूज़ है फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया हुआ स्कीम, नाम है फूड सेफ्टी मित्र स्कीम। तो नाम से समझ में आ रहा है, फूड की सेफ्टी को इंश्योर करना मित्रों का काम होगा, ठीक है, जो इस स्कीम में लॉन्च किए जाएंगे। इसमें ईट राइट जैकेट, ईट राइट झोला, ये 3 स्कीम्स एक साथ जुड़े हुए हैं, फूड सेफ्टी मित्र स्कीम, फिर ईट राइट जैकेट और ईट राइट झोला। ये क्या होता है तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम स्कीम की बात कर लेते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा दिल्ली में, जहाँ पर ये अर्ज किया गया लोगों से कि घी, सॉल्ट और खाने में घी का इस्तेमाल कम करें, रिड्यूस करें, क्योंकि यही एक अच्छा तरीका है अभी अपने आप को बचाने का। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि कौन कौन से एक अभी लोगों को जारी किया है फसाई ने, और वो भी फूड सेफ्टी के लिए ही है। सो इंट्रोड्यूस स्कीम ऑफ द फूड सेफ्टी मित्रा एंड इट प्लान्स टू इंगेज मोटिवेट इंडिविजुअल्स विद फूड सेफ्टी इकोसिस्टम एट ग्राउंड लेवल। तो इससे क्या होगा, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि वो फूड सेफ्टी को और इंश्योर करें, पार्टिसिपेट करें। इसमें डिजिटल मित्र और ट्रेनर मित्र और हाइजीन मित्र, ये 3 तरीके के अथॉरिटीज़ होंगे जिनका रोल होगा, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी लोगों को अवेयर करने के लिए। और ईट राइट झोला जो है, इसके हम आगे भी बात करने वाले हैं, इसमें रीयूजेबल, वॉशेबल और बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाए जाएंगे, ठीक है। जो ये प्लास्टिक को बैन किया गया है उसको अगर हमें ख़त्म करना है, इरेडिकेट करना है, तो उसका एक सब्सटीट्यूट तो लाना होगा, वो सब्सटीट्यूट होगा ईट राइट झोला, जो कि बायोडिग्रेडेबल और रीयूजेबल, साथ में वॉशेबल भी होगा।
अभी हम जैकेट की बात भी आगे करेंगे, बट यहाँ पे देख लेते हैं जो फसाई है उसने सारे स्टाफ को जो फूड सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं उनको RFID टेक्निक के तहत एक जैकेट इंश्योर करने का प्लान किया है। अगला न्यूज़ है वंधन इंटर्नशिप प्रोग्राम। वंधन इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है, देखते हैं। ट्राइफेड ने लॉन्च किया है वंधन इंटर्नशिप प्रोग्राम को, और ट्राइफेड किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। नाउ क्या उद्देश्य है, सम ऑफ द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल मैनेजमेंट और अदर जो सोशल सर्विस के मैनेजमेंट्स होते हैं वो सब इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वन धन इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। इसमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो वन में रहने वाले लोग हैं, उन पॉपुलेशन को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए अदर इंस्टीट्यूशंस को इसमें जोड़ा जाएगा, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, सोशल वर्कर साइट्स, इन सारी जगह पर वो इंटर्नशिप करेंगे। इंटर्नशिप क्या होता है, छोटी सी ट्रेनिंग जहाँ पर आपको काम सिखाया जाता है। तो ऐसे ट्राइबल पॉपुलेशन को काम सिखाया जाएगा और वो सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, और अपने लिए जो उनके लिए लाइवलीहुड का और रास्ता है वो ओपन होगा इसके बाद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी न्यूज़, इसको याद रखेंगे। इसके बारे में कुछ और बातें जो लिखी हुई हैं देख लेते हैं। इसका एम क्या है, टू प्रमोट द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस सेंट्रिक लाइवलीहुड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल गैदरिंग एंड आर्टिशंस। आर्टिशंस के लिए लाइवलीहुड तैयार करना और प्रमोट प्राइमरी लेवल वैल्यू एडिशन टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एट ग्रास रूट लेवल। प्राइमरी लेवल पर जो वैल्यू एडिशन होता है ट्राइबल कम्युनिटीज का और अपग्रेडेशन हो, इसको प्रमोट करने के लिए स्कीम को लाया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 20% टू 60%। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एज अ नोडल एजेंसी इसमें काम करेगी, लोकल लेवल पर भी जो मैनेजिंग कमिटीज़ वगैरह होते हैं उनको बनाया जाएगा इसके लिए। अगला न्यूज़ देखते हैं, वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट फॉर 2019 आ चुका है, यूनिसेफ ने रिलीज़ किया है, याद रखिएगा, स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट क्या है, इसमें रैंकिंग कैसे की गई है कंट्रीज़ की। तो इसमें रैंकिंग जो है वो हाईएस्ट बर्डन ऑफ डेथ कितना है 5 साल तक के बच्चों का किसी भी कंट्री पर, और लोएस्ट बर्डन ऑफ डेथ कितना है अंडर 5 बच्चों का, तो उसी के आधार पर रैंकिंग फिक्स किया गया है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कितनी ज़्यादा डेथ होती है किस कंट्री में और कहाँ पर नहीं होती, तो हाईएस्ट बर्डन होगा तो रैंकिंग में वो पीछे जाएंगे। द ग्लोबल स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, एनीमिया एंड अदर हेल्थ इश्यूज़। तो ये जो हेल्थ से जुड़े हुए चीज़ें हैं, माल न्यूट्रिशन से लेकर के ओबेसिटी, एनीमिया वगैरह सारी चीज़ें, उसको इसमें रिपोर्ट में एनालिसिस किया जाता है। ग्लोबल लेवल पर अगर हम सिनेरियो देखें तो 3 में से 1 बच्चा जो है अंडर द 5 ईयर वो अंडर नरिश्ड हैं। ओवरऑल देखें तो 200 मिलियन बच्चे ऐसे हैं वर्ल्ड वाइड जो कि कुछ तो ओवरवेट हैं और कुछ अंडर नरिश्ड हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन वाली सिचुएशन बनी हुई है। रिस्क ऑफ पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, वीक लर्निंग, लो इम्यूनिटीज, ये सारी दिक्कतें बच्चों में देखी जा रही हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। इट डिस्क्राइब्स अ ट्रिपल बर्डन माल न्यूट्रिशन, डबल बर्डन, ये ट्रिपल बर्डन माल न्यूट्रिशन को बता रहे हैं। इसका मतलब है अंडर न्यूट्रिशन, हिडन हंगर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मतलब बच्चे खा तो रहे हैं लेकिन अगर उनको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो इस ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट्स को भी शो किया गया है कि भारत की बात करें तो हर दूसरा बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार है भारत में। 35% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन सफर फ्रॉम स्टंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको लिख सकते हैं। 35% ऐसे बच्चे हैं जो स्टंटिंग का शिकार हैं, 17% बच्चे वेस्टिंग से सफ़र कर रहे हैं और 33% बच्चे अंडरवेट हैं, 2% बच्चे ओवरवेट हैं, ये सिनेरियो है इंडिया का। साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया में वर्स्ट कंडीशन है, 54% और द प्रेवलेंस बच्चे चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर इधर स्टंटेड, वेस्टेड और ओवरवेट। तो ये स्थिति है भारत की। हाईएस्ट बर्डन ऑफ डेथ जो है अंडर 5 वो विद ओवर 8 लाख डेथ इन 2018, 2008 का ये डाटा है कि जो बच्चों की डेथ हुई है अंडर 5 ईयर वो 8 लाख बच्चे हैं ओवरऑल। तो विटामिन की कमी होने के कारण, डिफिशियंसी होने के कारण, नरिशमेंट ना मिलने के कारण ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। इसका कारण क्या है, गरीबी, और गरीबी कैसे हो रहा है तो अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज ये गरीबी को और बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों को
पुअर डाइट्स मिल रहे हैं बच्चों को खास करके। गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स अभी तक रहे हैं अगर इस चीज़ की बात करें कि न्यूट्रिशंस वाले कौन कौन से स्कीम्स रहे हैं जब बच्चों को न्यूट्रिशन देने की कोशिश की है सरकार ने, वो है पोषण अभियान। पोषण माह भी सितंबर को डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और पोषण अभियान भी चलाया जा रहा है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी इसका नाम है। एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम भी चलाया गया है इंडिया में, और 6 टारगेट बेनिफिशियरी ग्रुप, 6 इंटरवेंशन एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ये स्ट्रेटजी भी चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश में 49% और 46% ऐसे बच्चे हैं जो कि वेस्टेड और स्टंटेड या ओवरवेट का शिकार हैं। अगला न्यूज़, ईट राइट जैकेट और ईट राइट झोला की हम बात कर रहे थे वहाँ पर, हम सेम न्यूज़ को यहाँ पर देख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये प्रोजेक्ट है, ये स्कीम है जिसमें कि जैकेट बनाया जाएगा और जो फील्ड स्टाफ है उनको दिया जाएगा। इसको प्रॉपर तरीके से RFID के तहत इंश्योर किया गया है QR कोड में, ताकि ट्रांसपेरेंसी अच्छे से बरकरार रहे और जो प्रोफेशनलिज्म है उसको इंश्योर किया जाए। जो ईट राइट झोला है इसमें हमने देखा कि रीयूज़ किया जा सकता है, क्लोथ बैग्स बनाए जा सकते हैं और इसको डिग्रेड किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो जो टेक्सटाइल रेंटल सर्विस कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि इस क्लोथ बैग को वो तैयार करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।